जैसा कि आप जानते हैं, मैं थोड़ी वीडियो मतलब मैं डाल ही नहीं रही हूँ कुछ दिनों से। क्या है ना, क्योंकि चैनल जब मोनेटाइज होता तो मेरा आया था, मैंने अपील भी करा बट मैंने रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अंदर रियस कंटेंट आता है, मैंने इतनी सारी वीडियो देखनी है कि उसे कैसे सॉल्व करूँ, बट मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ा ये डीले हो गया। आई होप यू कैन ऑल फॉरगिव मी। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये मेरा सीक्रेट क्रश है, ठीक है। यंग मैन, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? ये बहुत प्रिटी है। सर, ये मेरी फ्रेंड की छोटी बहन है, मेरी वाइफ नहीं। समझ गया, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत प्रिटी है। लगते है, सुन नहीं सकते। मुझे माफ़ कर दो, मेरे डैड है ना, वो ध्यान से सुन नहीं पाते। डैड, ये उसकी फ्रेंड की छोटी बहन है, उसकी वाइफ नहीं। उसकी वाइफ नहीं, उसकी बहन, उसके फ्रेंड की छोटी बहन। हाँ, उसकी वाइफ नहीं। नो, हम एक साथ नहीं है सर। यंग मैन, तुम सही उम्र पे हो कि तुम अपनी फैमिली स्टार्ट करो। इतनी प्रिटी गर्ल को ना ज़्यादा लंबा इंतज़ार मत करवा। सर, आप एक फ़नी इंसान है, प्लीज़ मुझे हंसाना बंद कर दीजिए। मुझे मेरी बैली पे ना कट, मेरे पेट में कट लगा है, मैं सही में हंस नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये जो प्रिटी लड़की है ना, कौन जाने ये लड़की प्रिटी भी है और तुम्हारा ध्यान रखना भी जानती है। तुम्हें ना उसे पकड़ के रखना होगा, यहाँ पे इसकी तरह कोई और नहीं होगी। ओके, मैं समझ गया। सर, हम सच में कोई कपल नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड है मेरे लिए। इतना ओल्ड है कि वो मेरा डैड, या फिर ये मेरा डैड बन जाएगा अगर ये थोड़ा साल बड़ा होता तो। ओह यस, ये अच्छा होगा एक डैड बनना। तुम दोनों को डेट कर लेनी चाहिए और एक बेबी कर लेना चाहिए, तुम्हें इससे ज़्यादा और खुश कुछ नहीं करेगा। नेवर माइंड, जीसस मैं जा रही हूँ। ओके, मुझे कॉल करना जब तुम अपने डोम में पहुँच जाओ, याद रखना खाने को। ओके ओके, तुम्हारी वाइफ घर जा रही है? ये मेरी वाइफ घर जा रही है। ये भी इसके साथ क्यों मजाक कर रहा है? हमारी जोला शाय है गाइस। तुम्हें उसकी तरफ अच्छा होना पड़ेगा, ये कितनी अच्छी लड़की है। तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, वो अभी लीगल एज पे भी नहीं आई है। यहाँ मैरिज है ना चाइना में, वहाँ के अभी हमें 2 साल और इंतज़ार करना होगा। हाँ हो, तुम यहाँ से जा रहे हो? सर, आई होप कि आपको बहुत सारा रेस्ट मिले, आप जल्दी से ठीक हो जाना। आई होप तुम दोनों अच्छे से एक मतलब खुशी खुशी एक साथ रहें। थैंक्स। हाँ, जैसे शॉक्ड हो गया है। हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, कौन क्या करता है, मैं भी ये गेम खेल सकती हूँ। ऐसे लगता है कि जोला की जो सोल है ना वो एंड हो चुकी है। वेल, हम जल्दी शादी करेंगे। तुम ही थे जिन्होंने ये सब चीज़ स्टार्ट करी थी। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो इसके लिए? नो, ये सिर्फ ये है। क्या तुम प्लीज़ ऐसे जोक मत करना, ये तुम्हारे लिए एक सीरियस जोक होगा बट ये मेरे लिए, ये मुझे ऐसा फील करवा रहा है कि मैं खुद ही एक जोक हूँ, तो एक्चुअली ये फनी नहीं है बिल्कुल भी। तुम मुझ पर गुस्सा हो? मैं कुछ ज़्यादा ही समय तक यहाँ था, मैं बहुत बोर हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दोबारा मत करना। मैंने रियलाइज़ नहीं करा था कि मैं तुम्हें ऐसे गुस्सा दिला दूँगा। मैं सच में एक बिग अशूल हूँ तुम्हारे लिए। ओह नो, जोला क्या कर रही है गाइस? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रही हो, ये हमारी जोला बोलती है। ये तुम्हारा बिजनेस नहीं कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है। मैंने ये क्यों, मैं केयर नहीं करती क्यों? तुमने फाइट स्टार्ट करी थी और तुम मेरे से मतलब रीज़न करना चाहती हो। तुम लकी हो कि सिर्फ मैंने तुम पे पानी गिरा है, अगर तुमने उसे हिट करा होता मैं तुम्हें वापस हिट करती। मैं ना ये भी सह रही थी तुम्हारा फेस अपने हाथों से डर्टी करने के लिए। तुम हिम्मत भी मत करना, सन में आया? मैंने एक्चुअली, मैं बुरा नहीं मानूंगा अपने हाथ को डर्टी करते हुए। बेटी चलो चलते हैं यहाँ से, लोग देख रहे हैं। ओ, ये थोड़ा सा प्रीमियम था है ना, इस टाइप का ट्रेलर आगे का। अभी यहाँ से जी सीस, ये लो अपना पानी पोंछ लो।
वो कौन था कौन थी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और टेक्निकल स्पीकिंग ये कोई है जिसने, मेरे डैड ने इनसे पैसे लिए थे, तुम्हारे डैड ने उससे पैसे लिए थे, मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तुम्हारी जगह पे, क्या वो तुम्हें पूरे समय ऐसे ट्रीट कर रही है? तुम ऐसा कह सकती हो? ये इतना स्कैरी है कि उसके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है? कौन इतनी जल्दी वॉयलेंट हो जाता है, मतलब गुस्सा करने लगता है, हाथापाई पे उतर आता है? शायद मैंने इसी किसी रास्तों में हट करा था, तुम्हारे डैड ने उससे पैसे लिए हैं पर तुमने उससे कुछ भी नहीं लिया है। और हमारा जीसस ये बात सुन के इमोशनल हो जाता है। अगर मैंने उसे ये ऐसा करते हुए देख लिया तुम्हारे साथ फिर से, मैं इसे अलाउ नहीं करूँगी। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि कभी भी दूसरों को तुम्हें परेशान मत करने दो और तुम पे कंट्रोल करने ना दो। ये सच में अब एक बच्ची नहीं रही। तुम बहुत लंबे हो, अपने आप करो ये खुद ही। आई थिंक जोए को जोला करो लग रहा था कि जीसस उसे किस करने आ रहा है। तुम मेरी तरफ क्यों घूर रहे हो? कुछ भी नहीं लिटिल सोला, तुम्हारा शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम वेलकम। चलो तुम्हारे लिए एक टी शर्ट खरीदते हैं और उसमें चेंज कर लेते हैं। ओके, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या ये जो पानी था तुम्हारे ब्रेन के अंदर चला गया है क्या? ये ऐसा ही होगा, ये पानी नहीं है जो मेरे दिमाग में गया है, ये उस ओल्ड आदमी के जो सिली जोक्स थे ना, शायद वो मेरे दिमाग में आ चुके हैं। अदरवाइज मैं ऐसी फीलिंग क्यों उसकी तरफ फील कर रहा हूँ? आई थिंक जीसस एक्चुअली अब अपनी फीलिंग रियलाइज कर रहा है जोला के लिए। मैं सच में पागल हो चुका हूँ हैं आज। ठीक तो है ना? आई गेस ये बहुत एम्बेरसिंग था कि पब्लिक में ऐसे ट्रीट होना। जीसस ये जो भी हुआ है ना, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। जब मुझे स्कूल में ड्रॉप करा गया था तो तुमने मेरी मदद करी थी, अब तुम एक हेल्पलेस ओल्ड मैन हो। ये मेरी टर्न है तुम्हारी मदद करने के लिए। जोला ने तो पूरा मूड ही किल कर दिया। ये वाला एपिसोड यहीं तक आया, होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।